सभी यूट्यूब वेलकम बैक टू माई चैनल। एंड आज की वीडियो में हम एक एक्सपेरिमेंट ट्राई करने वाले हैं और उस एक्सपेरिमेंट के लिए मेरे पास एक ये पेंसिल है, पेंसिल या पेन कुछ भी ले सकते हैं, और एक ये कैन है, ये देख सकते हैं आप, कोई सा भी कैन ले सकते हैं आप ऐसा। ये देखो कैमरे में आपको सीधा नहीं दिख पा रहा होगा, तो ये हमारे पास एक कैन है। तो आपने कई बार देखा होगा कई सारी वीडियोज़ में, जो आप ये देख सकते हैं ये इसका पार्ट है। हम नॉर्मली इसको, ये जो है इसको ऊपर खींचते हैं और ये अंदर चला जाता है और कैन खुल जाता है। तो आज हम ट्राई करने वाले हैं, इस पेंसिल को ऐसे ऐसे रब करेंगे, मतलब घुमाएंगे तेज तेज दबा के, तो देखते हैं ये खुलेगा या नहीं। मैंने कई सारी वीडियोस में देखा है ये जो है ये ऊपर खुल जाता है ऊपर की तरफ करने पर ऐसा, और ज़्यादा देर तक करना पड़ता है, पता नहीं कितनी देर तक करना पड़ेगा और कैसे खुलेगा क्या होगा। तो देखते हैं, इसमें ये वाला कैन है, आप अगर ट्राई कर रहे हैं तो कोई सा भी कैन ले सकते हैं। वैसे तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा ऐसा ट्राई करने का। और ये रहा ये पेंसिलरी, और ये वाला कैन है, आप कोई सा भी कैन ले सकते हैं, कोका कोला या पेप्सी का कोई सा भी। तो देखते हैं क्या होता है, इसमें कितनी तेज़ ब्लास्ट होगा या कुछ नहीं होगा, हल्का सा ये खुल जाएगा बस। तो कितनी देर तक करना पड़ेगा हमें, और देखते हैं क्या होगा। तो गाइस ये मैं ट्रिक अभी ट्राई करने वाला हूँ, और देख सकते हो आप, मेरे को तो डर लग रहा है गाइस कहीं मतलब ये फट ना जाए कैन। तो एक बार ट्राई करते हैं, ये देखो आपको इसको दबाना है और ऐसे ऐसे रब करना है। गाइस मैंने थोड़ी देर तक करा है, मेरे को डर लग रहा है इसलिए मैं ज़्यादा मतलब देर तक नहीं कर रहा हूँ, और मुझे लग रहा है कुछ होने वाला है। तो इसका कॉन्सेप्ट तो मुझे पता नहीं है कि ये ऐसा क्यों होता है, तो मैं आपको बाद में बताऊँगा, पर तब भी एक बार देखते हैं करके होता भी है या नहीं। नहीं हुआ तो मतलब सारी वीडियो जो भी बनी हुई है वो फेक है, और ट्राई करते हैं। गाइस मुझे डर लग रहा है, मैं बार बार रुक रहा हूँ क्योंकि ब्लास्ट होगा, कभी भी हो सकता है वो, कभी भी मतलब अचानक से कभी भी हो सकता है, और मुझे पता नहीं है क्या होगा कब होगा। अगर हमें पता भी हो कि अभी होने वाला है तो तब तो कुछ बात भी हो, पर देखते हैं, चलो कोई बात नहीं। ये देखो गाइस अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है, ये देखो अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है, और जो आप देख सकते हैं ये थोड़ा बेंड हो रखा है, ये पहले का हो रखा था, इसकी वजह से नहीं हुआ ये। और अब देखते हैं गाइस, ये वाला पार्ट खुलता है, मुझे लगता है यही वाला पार्ट ऊपर को खुलेगा, तो लेट्स ट्राई। गाइस ये जो पेंसिल है, पेंसिल का जो ये ब्लैक ब्लैक सा है ये इस पर छूट रहा है क्योंकि इस पर पानी लगा हुआ है, और देखते हैं अब क्या होगा। गाइज मैं बार बार चेक कर रहा हूँ इस पर टच कर करके, क्योंकि मेरे को लग रहा है ये जो हम ऐसे ऐसे कर रहे हैं, इस पर रब कर रहे हैं, इसकी वजह से ये हीट होता है, और हीट की वजह से ये फटता है, मतलब ऊपर होता है, और हीट तो कुछ हो नहीं रहा है ये, क्योंकि कैन ये चिल्ड हो रखा है, पता नहीं अब होगा भी नहीं होगा। और अगर ये अभी नहीं हुआ तो मैं एक बार मतलब थोड़ी देर बाद ट्राई करूँगा, क्योंकि ये कैन अभी चिल्ड है, तो थोड़ी देर बाद फिर दोबारा ट्राई करूँगा, क्या पता ये ठंडे कैन में ना होता हो ट्राई, मतलब ठंडे कैन में ना होता हो, गरम कैन मतलब नॉर्मल कैन में होता हूँ। तो देखते हैं अभी ट्राई करते हैं, फिर अगर नहीं हुआ तो बाद में ट्राई करेंगे। सो गाइस अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ है, मैंने वीडियो पॉज करके दोबारा स्टार्ट करी है,
क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर ये कुछ नहीं हुआ तो इसमें। अब मैं तेज तेज ट्राई करता हूँ। गाइस कुछ भी नहीं हो रहा है। अब मैं थोड़ी देर और ट्राई करके इसको, जब ये गर्म हो जाए, अगर नहीं हुआ तो जब ये गर्म हो जाएगा फिर ट्राई करूँगा। और आप देख सकते हैं मैं इतनी देर से ट्राई कर रहा हूँ और पेंसिल पर ये इसका जो ओपनर है ये अटक अटक के टेढ़ा हो गया है, तो इसको सीधा करके दोबारा से ट्राई करते हैं। और गाइज अगर पेंसिल से नहीं हुआ मैं एक बार पेन से भी ट्राई करूँगा। गाइज अभी वैसे तो कुछ भी नहीं हुआ है पर मेरे को लग रहा है जो इसका ये ऊपर वाला साइड है ये थोड़ा फूल रहा है और कुछ होने वाला है मुझे लगता है। गाइस कुछ भी नहीं हो रहा है। अब एक बार ट्राई करते हैं पेन से, कोशिश करते हैं, क्या पता पेन से हो जाए, पेंसिल से नहीं हो रहा, एक बार पेन से भी ट्राई करके देखते हैं। तो गाइस ये रहा हमारा पेन, अब इससे एक बार ट्राई करते हैं क्या पता इससे हो जाए, पेंसिल से ना हो रहा हो। ये पेन मोटा होने की वजह से इसमें अड़ रहा है, तो लेट्स ट्राई क्या होता है। गाइज अभी कुछ हुआ है इसमें पेन से ट्राई करने के बाद, ये फटा तो नहीं है पर इसमें जो गैस है ये निकल रही है, आप इधर से देख सकते हो, मैं झूठ नहीं बोल रहा, गैस निकल रही है इसमें से। गाइज इसमें से जब मैंने पेन से ट्राई करा उसके 2-3 सेकंड बाद ही इसमें से निकल रही है इसकी गैस, फटा तो नहीं है ये, इसकी गैस निकल रही है। मैं उसको जो निकली है पानी सा इसका दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो ये निकला है इसमें से, ये जो टपक रहा है आप देख सकते हैं, ये काला इस वजह से हो गया क्योंकि हमने पेंसिल से ट्राई करा था, पेंसिल का जो भी ऊपर का कवर है वो इस पर गिर रहा था तो इसकी वजह से काला हो गया। एक बार मैं दोबारा से ट्राई करता हूँ क्या पता इसमें थोड़ी गैस बची और ये फट जाए। गाइस ये फटा तो नहीं पर इसके अंदर से पिचक गया, ये देखो ये इसमें से निकल रही है ये। सो मुझे लगता है मैंने इसमें रुक रुक के ट्राई करा इस वजह से ये फटा नहीं, नहीं तो ये फटता, तो फटा तो नहीं है, खुल गया। पर जब मैंने इसको पी के देखा, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, जब मैंने इसको पी के देखा तो इसमें कुछ भी नहीं था, सिर्फ संतरे का रस था, संतरे का जूस था, जो भी आप कहना चाहो कह लो, संतरे का जूस था और कुछ भी नहीं था इसमें। इसमें फिज थी जो वो बिना मतलब की डाल रखी थी, और आपने सुना होगा कि कोई भी कोल्ड ड्रिंक में या कोका कोला में गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वो फिज होती है जो उसकी, वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है क्योंकि हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और अगर कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पेट में जाएगी तो आप सोच सकते हैं क्या होगा। तो कोल्ड ड्रिंक पीना तो मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा, और ये इतना महंगा भी आता है
तो इसकी वजह आप कहीं से भी संतरा ले या फिर बाजार से संतरे का जूस पी सकते हैं। और मैं तो इसको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा आपको पीने के लिए। और जो मैंने अभी एक्सपेरिमेंट ट्राई करा है वो आप कर सकते हैं, कुछ नहीं होगा उसमें, सिर्फ ये ऊपर का खुल जाएगा बस। और ये तो मैं आपको पीने के लिए बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि इसमें बिना मतलब की फिश डाल रखी थी गाइज। मैं आपको पिला तो सकता नहीं क्योंकि, और बिना मतलब की फिश थी इसमें, सिर्फ संतरे का जूस था, और जो बीच बीच में होता है उसका, संतरे का जो ऊपर का कवर होता है वो इसमें डला हुआ था नॉर्मल सा, सिर्फ संतरे का जूस था। इतनी भी फिज़ मेरे को लगी नहीं, क्योंकि अगर इसमें ज़्यादा फिज़ होती तो ये फट जाता, इतनी ज़्यादा फिज़ भी नहीं थी इसमें। और मैं आपको ये बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा, मैं आपको यही बताना चाहता था। गाइस ये वीडियो पूरी हो चुकी है। अगर आपको ये मेरा एक्सपेरिमेंट और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल लाइफ जोन को। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।